नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों इस समय हम राजस्थान ट्रिप पर आए हुए हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसे सुनसान गांव को देखने चलेंगे जो पिछले 200 वर्षों से वीरान है, जहां आज भी कोई नहीं रहता। भारत के पश्चिम उत्तर में थार रेगिस्तान के मध्य बसा है एक शहर जैसलमेर, और जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है कुलधरा गांव। यह गांव 13वीं शताब्दी में काकनी नदी के पास पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यह गांव एक देवी मां के मंदिर के पास बसाया गया था और इसके आसपास 84 गांवों का निर्माण किया गया था। काकनी नदी एक बरसाती नदी थी, अतः जल आपूर्ति के लिए स्थानीय लोगों ने तालाब, बावड़ी और कुएं आदि बनाए हुए थे। यहाँ के स्थानीय लोग बैंकर थे और किसान थे, जो ज्वार, चना व गेहूं की खेती किया करते थे और फाइन क्ले से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाया करते थे। एक किंवदंती के अनुसार तत्कालीन जैसलमेर का मंत्री सलीम सिंह उस समय बहुत उत्पीड़न और अत्याचार किया करता था। सलीम सिंह गांव के मुखिया की सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था, किंतु गांव के लोग इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने रातों रात गांव छोड़ने का सामूहिक निर्णय किया। गांव के लोगों ने गांव खाली करते समय श्राप दिया कि यह गांव हमेशा वीरान रहेगा, यहां कभी कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए आज भी यह शापित गांव वीरान, सुनसान और उजड़ा हुआ है। आज भी यहां दिन में देश विदेश के हजारों टूरिस्ट आते हैं, किंतु अंधेरा होते ही यह गांव पूरी तरह खाली हो जाता है। दोस्तों कुलधरा गांव के पास कई लग्जरी होटल हैं। वैसे अधिकतर पर्यटक यहाँ जैसलमेर से ही अप डाउन करते हैं। जैसलमेर पूरे देश से सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायु मार्ग से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मिड अक्टूबर से मिड मार्च तक है। गर्मियों में यहाँ आने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक गर्मी रहती है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए। विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।